नमस्कार, मैं वांचल सिंह और उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 3000 टन सोने का भंडार मिला है और ये सोने का भंडार भारत में रखे 626 टन सोने के भंडार से करीब 5 गुना ज्यादा है। सोने की कीमत 12 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर राम मंदिर का ट्रस्ट, जब से राम मंदिर के ट्रस्ट का निर्माण हुआ है उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में ये जो अजूबा हुआ है और जिस प्रकार से वहाँ ये खनिज संपदा मिली है, ये राम जी की कृपा बरस रही है। राम जी की कृपा के बाद ये सोना मिला है और सोने का भंडार मिलते ही उत्तर प्रदेश ने भी तेजी दिखाते हुए सोने की ई नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसी समय भारत को उसकी धन संपदा के चलते सोने का चिड़िया कहा जाता था, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अगर आज ये सोना इतना मिला है, इसके बाद हम इस देश को सोने का बाग कहेंगे, सोने का शेर कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इतने भारी मात्रा में सोना मिला है, सोने का भंडार मिला है, अब भारत को ये दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंचा सकता है। और जिस प्रकार से यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में सोना मिला है और जिस प्रकार से सोने का भंडार मिला है, अब भारत दुनिया के दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि कौन सा ऐसा देश है दुनिया में सबसे ज्यादा सोना किसके पास है। जी आपको बता दें कि अमेरिका वो देश है जिसके पास सबसे ज्यादा सोने का भंडार है, उसके पास 8133 टन सोना है। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर जर्मनी है और अब भारत जर्मनी को पछाड़ते हुए दूसरे स्थान पर आ जाएगा, क्योंकि भारत का जो कुल सोना है वो 3000 टन यहाँ से मिला हुआ है और अभी ऑलरेडी जो इंडिया के पास भंडार है सोने का वो 646 टन है। तो जिस प्रकार से भारत में लगातार अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि निखार रहा, तो भारत यहाँ पर दुनिया में स्वर्ण भंडार के मामले में दूसरे स्थान पर आ जाएगा। और इसी के साथ आपको बताते हैं कि वहां पर सोनभद्र में सोने के साथ साथ और क्या क्या खनिज पदार्थ वहां पर मिल सकते हैं। जो आपको बता दें कि वहां पर सोनभद्र में महुली गांव के पास सोने के साथ साथ वहां पर यूरेनियम की भी तलाश की जा रही है। और यहां पर सोनभद्र के पास ही फुलवार क्षेत्र में दो स्थानों पर, तलैयाडी क्षेत्र में एडासुलाइट और पटवत क्षेत्र में पोटास की मात्रा भारी मात्रा में मिली है और यूरेनियम की भी तलाश की जा रही है। भरहरी में लौह आयक्स और छपिया ब्लॉक में सिलिमेनाइट के भंडार की भी खोज की जा रही है। सोनभद्र जिले के खनिज अधिकारी के राय ने बताया कि सोनभद्र जिले में यूरेनियम का भी भंडार हो सकता है, जिसकी तलाश में केंद्रीय और अन्य टीम लगी हुई है। खनिज अधिकारी के राय का कहना है कि भूतत्व और खनिज कर्म विभाग और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम इस कार्य में लगी हुई है। जल्द ही पट्टा लेने की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से यहाँ पर इतने भारी मात्रा में सोना मिला है और साथ यूरेनियम की भी मिलने की संभावना है, तो अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में जो अभी उत्तर प्रदेश की छवि है और लगातार निखरती रही है, और अगर भारी मात्रा में इस यहाँ से सोना निकलता है, इतने भारी मात्रा में सोना मिला है और वहाँ पर यूरेनियम भी मिलने की संभावना है, तो उत्तर प्रदेश की जो छवि है वो लगातार निखरती रही है और लगातार उसका दुनिया में नाम भी हो जाएगा, जिस तरीके से यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा भंडार यहाँ पर मिला है। सोनभद्र में पहले भी 1980 के दशक में सोने की खोज की गई थी और दावा किया जा रहा था कि यहाँ पर भारी मात्रा में सोना है, और इसके बाद भी दूसरी बार भी 1990 में भी यहाँ पर सोने की खोज की गई थी और सोने की जगहों को चिन्हित किया गया था। लेकिन वहाँ पर उस टाइम पर ये पुष्टि नहीं हो पाई थी कि यहाँ पर सोना है या नहीं, लेकिन 2012 में इसकी पुष्टि की गई और उसके बाद अब ये चीज़ें जो सामने आई हैं, तो इसको कहीं ना कहीं लोग धर्म और आस्था से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से राम मंदिर का फैसला जो टलता आ रहा था और फैसला आने के बाद अब राम मंदिर के निर्माण का ट्रस्ट बन गया और ट्रस्ट के बनते ही इतने भारी मात्रा में सोने की जो वहां पे खदान मिली है, सोने का भंडार मिला है, इससे लोगों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं राम जी की कृपा हुई है जिससे इतना बड़ा सोने का भंडार मिला है। भारत के पास अभी 626 टन सोना का भंडार है और यहाँ पर 3000 टन सोने का भंडार मिला है, तो इससे अगर हम देखें तो ये कुल 3600 टन सोना हो रहा है और यहाँ पर ये भारत दूसरी
दूसरा ऐसा देश होगा जिसके पास सबसे अधिक सोना होगा। इसके साथ ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के बाद भारत का नाम होगा। भारत दुनिया के टॉप 2 देशों में शामिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि भारत के पास जितना सोना है उसका अगर 5 गुना अधिक सोना मिल रहा है तो भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ जा सकती, कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी और भारत में कितने विकास के काम होंगे। और भारत के लिए ही साथ साथ उत्तर प्रदेश के लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जिस प्रकार से योगी सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश की जनता के लिए 5 लाख करोड़ का जो बजट बनाया था, जो बजट पेश किया था, उसके साथ ही अब योगी सरकार को अगर इतने बड़े मात्रा में वहां पर सोना मिलता है और इतने भारी मात्रा में सोने की खदान मिलने के बाद अब उत्तर प्रदेश की जो किस्मत है वो चमकने वाली है। क्योंकि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने वहां पर इतने विकास किए हैं और उनके राज्य में ही इतना बड़ा सोने का भंडार मिल रहा है, तो अब देखना ये होगा कि योगी आदित्यनाथ और कितने ऐसे फैसले लेते हैं जो जनता के भलाई में होंगे और कितना बड़ा बजट पेश करते हैं, ये आगे देखना होगा। जो वहाँ शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वो जायज है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट की बात मानने से इनकार कर रहे हैं, वो जायज है? मैम देखो, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब जिस आदमी ने अगर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी उसको इस देश में रहने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि हमारा देश का लास्ट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट की बात तो अच्छे खासे सभी मानते हैं, क्योंकि यहाँ चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे किसी के भी, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। ये सारी राजनीति की रोटियाँ शाहीनबाग और वहाँ पर बिल्कुल गलत है। वहाँ पर जाके देखो कि कितनी लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों के बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ना। वहाँ पे लोग फ्री की बिरयानी खा रहे हैं, हर चीज़ उनको फ्री मिल रहा है, बस घर में बेले बैठे आ गए, राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ ही मुद्दा नहीं है, सारी राजनीति का खेल है ये। सर आपका नाम क्या है पहले? अभिषेक। जो शाहीन बाग में लोग बैठे हुए हैं, आपको कितने जायज लग रहे हैं? मैम देखिए, अगर बैठने को बैठे, प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है, मेरा तो ये मानना है प्रोटेस्ट करो, रामलीला मैदान बनाया गया उसमें जाके करो। आप लखनऊ में क्या, हमारे यूपी में ऐसे ही लोग इकट्ठे हो रहे थे लखनऊ में, कानून व्यवस्था इतनी तगड़ी है, इस समय वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ, सब खत्म। वही काम अगर आज दिल्ली में हो जाए, कोई प्रोटेस्ट करने के लिए राजी नहीं होगा, मेरा तो साफ मानना है, क्योंकि उन्हें बातों से उन्हें कोई फर्क पड़ने का नहीं, तो इससे बढ़िया जो करना है प्रशासन ही करेगी। जैसे आपने लखनऊ की बात की, वहाँ पे प्रशासन इतना अच्छा है, वहाँ पर जो पुलिस कार्रवाई की गई उसके बाद भी तो योगी आदित्यनाथ में सवाल उठ रहे हैं। एनसीपी के नेता उनको जनरल डायर बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता उनको आतंकवादी बोल रहे हैं। पहले वो तो खुद देख लें कि वो है क्या जो बोल रहे हैं, इससे पहले उन देख लें वो है क्या बोलने का। तो मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि बोलने के लिए किसी को रोका नहीं गया है। आज मैं केवल यहाँ की बात बताऊँ अपने उत्तर प्रदेश की, तो अगर कानून व्यवस्था सबसे जो टाइट है वो हमारा उत्तर प्रदेश है। इतना प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद घर से एक एक असूली नोटिस भी भेजी गई, उसमें भी सवाल सब उठाए कि हमसे तो सरकार असूली करवा रही है। भैया तुम प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, कि तुम्हें हिंसा करने का अधिकार है, तुम प्रोटेस्ट करो, अब तुम बसें जलाओगे, तोड़ोगे, नुकसान पहुंचाओगे, तो सरकार तुमसे जाहिर सी बात है करनी चाहिए। अगर दिल्ली में भी यही आज हुआ होता तो आज शाहीनबाग जैसे हालात नहीं आते, जामिया जैसे हालात नहीं आते। तो मैं दिल्ली सरकार से यही मतलब निवेदन करता हूँ कि तगड़ी से तगड़ी व्यवस्था मतलब प्रशासन करे। दिल्ली सरकार कहाँ से करेगी? दिल्ली सरकार तो सिसोदिया समर्थन कर रहे हैं, संजय सिंह भी उनके जो पुलिस ने कार्रवाई की उसमें भी सवाल उठा रहे हैं। मैम यही तो दिक्कत है कि लोग अभी केजरीवाल सरकार क्यों बनी, लोग यहाँ के हैं कि यहाँ फ्री तीन महीने हुए, बसों में महिलाओं के लिए फ्री हो गया, उसके बाद पानी फ्री हो गया, बिजली फ्री हो गई, लोग समझे हाँ केजरीवाल से ही काम कर रहे हैं, वोट दिलवा के जिता दो, काम खत्म। तो ये फ्री से कुछ नहीं होने का, हमने फ्री से बोला कि 31 मार्च तक ये जो था और 31 मार्च के बाद अगर ये फ्री बंद हो जाएगा तो क्या फिर से ये मुख्यमंत्री नया चुनने को मिलेगा इनको? अगर ऐसा होता तो 5 साल के बाद ही होगा। अगर तो ये 4 साल क्या फिर ये जो 4.5 साल जो इतने बचिन की अवधि बची है 5 साल में, क्या फिर ये वही जो 4.5 से हुआ साल पहले हुआ था वही रोना होगा? कैसे जनता को लालच देने वाली ऑफर था, वो ऑफर जनता को समझ नहीं आया, ऑफर आंख मूंद के आम आदमी पार्टी को। मैं जनता सुप्रीम कोर्ट की बात तो माननी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट है तो मतलब उसकी तो वैल्यू देनी चाहिए ना। अगर आप शांति से कर रहे हो तो आप जगह दो लोगों को निकलने के लिए, एटलीस्ट आप शांति से करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कम से कम जहाँ लोग आ जा रहे हैं उनको जगह दे दो, बाकी आप और भी मैदान है जो खाली हैं वहाँ पर आप
क्या कहते हैं अपनी क्या कहते हैं प्रोटेस्ट जो भी करना है वहाँ कर सकते हो आप। जब सीए के कानून का सबको नॉलेज हो गई है, मुझे तो नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा कि किसी भी भारतीय को इससे कोई नुकसान नहीं है। तो यहाँ पर ये जो लड़ाई है, ये मुझे तो लगता है कि एक हक की लड़ाई जो बनकर रह गई है, ये सिर्फ अपना ये जो ताकत दिखाने की लड़ाई है वही बच गई। क्योंकि वारिस पठान है, असुद्दीन ओवैसी के पार्टी के विधायक हैं, उनका साफ बयान आता है कि हम 15 करोड़ तुम्हारे 100 करोड़ पर भारी पड़ रहे हैं। तो ये बयान और ये हमारे जो शेरनियाँ वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो ये कहाँ की लड़ाई रह गई और कहाँ से ये सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे, जहाँ से धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे थे, वहाँ पर ये एक जात समृद्धता और धर्म को बांटने की राजनीति हो गई। वहाँ पर बस ये बचा है कि हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं गवर्नमेंट को, और अब तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी वो अड़े हुए हैं। मैम मेरा तो कहना यही है, ऐसे नेताओं की सुनने की जरूरत नहीं, आपको प्रोटेस्ट करना है आप साइड में प्रोटेस्ट कीजिए, उससे कोई इशू नहीं है। अगर गवर्नमेंट आपसे सहमत होती है तो मैं भी बात मान ले, अगर नहीं है तो नहीं मानेगी।